हाय गाइस, व्हाट्स अप। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। एंड आई नो कि कोरोना वायरस का लॉकडाउन चल रहा है, तो आप सभी घर पर हैं। और आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि आज एक एक मैसेज देने वाला हूँ वीडियो के थ्रू। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग हैं जो मान रहे हैं गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं मान रहे, और उनको किसी की परवाह नहीं है कि उनकी वजह से किसी को भी कुछ भी हो सकता है, एंड इवन लोगों की जाने जा सकती है। लेकिन हमारी ओडिशा पुलिस ने एक बहुत ही इंस्पायरिंग, एक बहुत ही मोटिवेशनल, एक बहुत ही मैसेज ड्रिवन वीडियो बनाया है, जो बस मेरे बोलने के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, आई मीन ये वीडियो ज़रूर देखिए एंड तक। एंड इस वीडियो को पूरा वायरल कीजिए, ताकि जो लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस, अब से माने और उनके अंदर भी एक ह्यूमैनिटी आए। ओडिशा पुलिस रास्ता उपरे आपण मानक पाई एणु आपण माने रास्ता को न बाहरी घर भितर सपरिवार खुशी रे एवं सुरक्षित रुहंतु एवं अन्य मानक सुरक्षा रहिया को दियंतु। मोर गोटे 2 वर्षर झियो अछि, से मते बहुत खोजे, मोर भी बहुत इच्छा ता पाखो को टिके जिबा पाई, ताको टिके गेला कर दबा पाई। मो अपांकर अपेंडिक्स ऑपरेशन हेई छि, से घरे एका रहंती। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଛୁଟି ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନି। ଲୋକ ଯଦି ବିନା କାମରେ ଯଦି ରାସ୍ତାକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ବି ଟିକେ ସମୟ ପାଇଥାନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଢୁ ଢୁ ଖରାରେ କାହାକୁ ଛିଡ଼ାବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଆମେ ଏଇ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଘରେ ମୋର ବୃଦ୍ଧା ମା, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 73 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଆମେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଏଠି ସେବା କରୁଛୁ, କରିବୁ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଘରେ ରହିଲେ ମୁଁ ମୋ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖାଶୁଣା କରିପାରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକିଏ ଯାଇ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘରେ ରହିବେ ମୁଁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଫଲୋ ଲକଡାଉନ। Please stay home. Stay home. Stay safe. Stay home. Stay safe. ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।